पतंगबाजी करना बच्चों का ही खेल है। ये मुझे तब पता चलता है जब मैं एक लूटी हुई पतंग को लेकर निकलती हूँ अहमदाबाद के फेमस काइट फेस्टिवल में शामिल होने। लेकिन उससे पहले मैं ऑटो में कुछ ऐसा मीटर देखती हूँ जिसे देखकर मेरा मीटर ही गुल हो जाता है और मैं अपनी पतंग ऑटो में भूल जाती हूँ। खैर, मैं साबरमती रिवर फ्रंट तो पहुँच जाती हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही पतंगबाजी चल रही थी। पर उससे भी अलग था ये, एक आदमी के चार पांव और दो सर जिनमें से एक हाथ पतंग उतारने में व्यस्त है, और ऐसे ही मेरे भी दोनों हाथ व्यस्त होते हैं मांजा एकत्रित करने में। तभी मुझे ये पतंग म्यूजियम दिखाई देता है जिसमें पतंगबाजी का पूरा इतिहास चित्रावली द्वारा दर्शाया गया है, जिसके अनुसार एरोप्लेन बनाने में पतंगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इन्हें युद्ध के दौरान भी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मुझे लगा था पतंगबाजी बस एक शौक है, लेकिन इसके पीछे इतना विज्ञान बैठा है मुझे उसका अनुमान नहीं था। और ऐसे ही मुझे अनुमान नहीं था कि काइट फेस्टिवल एक दिन पहले ही खत्म हो चुका है, बची थी तो ये दो चार बड़ी बड़ी पतंगे। लेकिन मैं इस बात से बेपरवाह पतंग लूटने में लग जाती हूँ और बहुत देर की जद्दोजहद के बाद मुझे एक सुंदर सी पतंग मिल जाती है जिसे मैं बिना पेचे भिड़ाए अपना मन प्रसन्न करती हूँ और उड़ चलती हूँ यहाँ से थोड़ी दूर हो रहे